So very good morning to all of you. We had started with the revision of the chapter social responsibilities of a business. Kya hota hai social responsibility? Social responsibility refers to the obligation of the business enterprise to take those decisions and perform those actions which are in the interest of the society, which does not harm the interests of the society in any kind. ठीक है? So बेटे, there are two schools of thought. One school of thought which says that yes, social responsibility is need of the hour. Businessmen should be socially responsible. But then there is another school of thought which is of the view that social responsibility should not be the objective of business enterprises. Business enterprises exist just for making profit. ठीक है? So they should not indulge in social responsibility. One student, one. So we have already discussed the arguments in favor of social responsibility, है ना? क्यों हमें social responsibility निभानी चाहिए? और बड़ा strong case put forward किया है इस school of thought ने कि it is in the long term interest of the society, then business is holding all the society's resources, so he should be responsible towards society. Then if you want to avoid government regulations, अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट आपकी यू नो स्पीड को ब्रेक ना करे, आपके प्रोग्रेस के रास्ते में ना आए, आपके ऊपर अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, तो आप खुद सोशली रिस्पॉन्सिबल बनो. देन मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए आपको यू नो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी. देन वन मोर आर्ग्यूमेंट दे हैव गिवन दैट बिजनेसमैन दे हैव दिस नैक. नैक मीन्स दे हैव दिस you know, a sense, एक talent है उनमें कि they can convert threats into opportunities. Like I gave you one example that day, lockdown लगा, सब बेकार होके घर में बैठ गए कि अब क्या करें, हमारे पास तो कोई source of employment नहीं है. तो जिन लोगों के पास ये knack है, ये they can convert you know threat into opportunity, what they did, जैसे मैंने कहा था uniform की factory है, तो अप्रैल का मंथ ही नहीं आया, स्कूल का स्कूल खुलने वाला मंथ ही नहीं आया जो कि उनका प्रॉफिट बनाने का अर्न करने का मंथ होता था. सो उनके टेलर्स क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज है, उनको भी सैलरी देनी है. देन लैंड के ऊपर का रेंट है वो भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सब कुछ दे रहे हैं. सो व्हाट टू डू, कहाँ से खर्चे निकाले? सो दे स्टार्टेड मेकिंग मास्क एंड द स्क्रब्स फॉर द डॉक्टर्स एंड नर्सेस. स्क्रब्स बताया था ना मैंने क्या होता है आपको, जैसे कि पीपी किट होती है, एक तो पीपी किट के लिए चलो बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, लेकिन टेलर्स जो हैं वो स्विंग मशीन पे करते हैं, तो स्क्रब्स होते हैं जो ओवरऑल्स डॉक्टर्स पहनते हैं. ठीक है? क्योंकि ड्यूरिंग कोविड देयर ओन सेफ्टी बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे स्टार्टेड मेकिंग स्क्रब्स एंड सप्लाइंग देम टू द हॉस्पिटल्स. सो मेडिसिन फैक्ट्रीज जो है या कोई और ऐसी फैक्ट्रीज जो केमिकल्स में डील करती है, दे स्टार्टेड मेकिंग दिस, क्या बोलते हैं इसको, सैनिटाइजर. ठीक है? सो दे हैव दिस नैक ऑफ कन्वर्टिंग थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. सो व्हाई शुड दे नॉट कम फॉरवर्ड इन हेल्पिंग अस इन सॉल्विंग सोसाइटीज प्रॉब्लम. देन यू इवन गेट अ बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस. Business cannot exist in you know complex society full of difficulties. उसमें business करना बहुत ही मुश्किल होता है. So अगर एक atmosphere ही अच्छा बना रहेगा, atmosphere अच्छा कब बनेगा? जब हर कोई including business man socially responsible रहेगा. ठीक है? So अपना survival जो है वो उसका better way में हो पाएगा. Okay. Then last argument, again very you know valid and strong argument, कि society कहती है कि आप ही तो हमारी problems लेके आए हो. अब environment की problem है, अब think
बिजनेसमैन नहीं होता तो एनवायरमेंट पोल्यूट होता नहीं होता. इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मेजर यू नो कॉन्ट्रीब्यूटर टू पोल्यूशन. सो कहता है आप लेके आयो, आप सॉल्व करो. सोसाइटी यही होता है ना, हम भी यही कहते हैं ना, चलो आपसे ये ग्लास टूटा है आप साफ करो, कहते हैं ना हम. तो फिर हमारा एनवायरमेंट किसने खराब किया? हम कहते हैं इंडस्ट्रीज ने किया. करें कुछ, फिर क्या हुआ? लेट देम कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग फॉर अस. ठीक है. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी प्रॉब्लम्स, मतलब दो तरह से है, एक प्रॉब्लम को अवॉइड करो भी, कुछ ऐसा मत करो जिससे सोसाइटी को हार्म हो, और दूसरा अगर हार्म पहुंचा चुके हैं आप नहीं भी रिस्पॉन्सिबल हो तो भी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू शुड कीप ऑन हेल्पिंग सोसाइटी, प्रमोटिंग दी इवेंट्स. जैसे स्पोर्ट्स, इंडिया में लोग स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, तो बड़ी सारी बड़ी बड़ी फॉर्म्स ने फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स प्रमोट करने शुरू किए, एंडोर्स करने शुरू किए, स्पॉन्सर करने शुरू किए. सो आज स्पोर्ट्स इंडिया में अच्छा चल रहा है ना. बट देन लाइक आई टोल्ड यू, देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट व्हिच आर नॉट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू कैन बी आस्क्ड पुट अ केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेंस्ट तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देने. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज गिवन इज वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो ये आर्ग्यूमेंट सिंपली यही कहता है कि भाई हम एक बिजनेसमैन किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एग्जिस्ट करता है. सो है ना, तो एनी टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. सो वो कहता है बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ना. मैं बताता हूं, आप अपने आप प्रॉफिट्स बढ़ाओ. कैसे प्रॉफिट बढ़ाओ? अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके. इन दिस वे यू विल बी बेनिफिटिंग सोसाइटी. जब आप कॉस्ट को कम करके और एफिशिएंसी को बढ़ा के अपने प्रॉफिट बढ़ाओगे तो यू विल बी फुलफिलिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब ये वो कहता प्राइस नहीं बढ़ाया आपने. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस, एआर एंड एसी. किया ना आपने इकोनॉमिक्स में, तो ये प्रॉफिट है. अगर आपको ये बढ़ाना है, दो तरीके हैं, एक प्राइस बढ़ाओ, दूसरा एवरेज कॉस्ट को कम करो. तो वो कहता है आप प्राइस ना बढ़ाओ, आप एवरेज कॉस्ट को कम करो, एफिशिएंसी बढ़ा के अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करो और उससे प्रॉफिट बढ़ाओ. ये सोसाइटी का को बेनिफिट ही बेनिफिट है. ठीक है. डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट्स थ्रू दिस. ठीक है. वन मोर आर्ग्यूमेंट, बर्डन ऑन कंज्यूमर. So when we say firm should be socially responsible, we say that firm, you know, should not contribute towards pollution. If it is a business, but industry hai. Industry ne kisi na kisi tarah se environment pollute karna hi hai. Kyunki waste discharge hota hai bahut zyada. Hai na? Air pollution bhi ho sakti hai, water pollution bhi ho sakti hai, land pollution bhi ho sakti hai. So here, when we talk of social responsibility, एक फर्म है जो मतलब सपोज उसका जो निकल पॉलिशिंग करती है, मेरे को पता है, आई नो समवन हु इज इनटू दिस, माय रिलेटिव्स. सो वो निकल पॉलिशिंग करते हैं. निकल पॉलिशिंग क्या होता है? टैप्स होती हैं या कोई और चीजें होती हैं, है ना, उसके ऊपर आपने देखा सिल्वर कोटिंग होती है. वो सिल्वर कोटिंग ऐसे नहीं होती, उसको किया जाता है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है. दे आर मेड ऑफ सम मेटल एंड देन सम कोटिंग इज डन, जिससे उनके ऊपर वो सिल्वर एक फिनिश कलर आ जाता है. ठीक है. गोल्डन कोटिंग भी होती है. सो जब ये करते हैं तो उसमें जो बड़ा सा उनका एक प्लांट होता है, पानी में डिप कर देते हैं निकल के साथ जो भी केमिकल्स वगैरह, देन दे टेक आउट दीज थिंग्स एंड द वाटर दैट इज वेस्टेड दैट कंटेन्स निकल विच कंटेन्स पॉइजनस एलिमेंट्स. ठीक है. सो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, इस पानी को हम ऐसे फेंक देते होते. ठीक है. सो उससे क्या होता है, अगर आप रिवर्स में जा रहा है आपका पानी तो वाटर पोल्यूट हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूट हो रहा है. अगर ग्राउंड में जा रहा है तो लैंड पोल्यूशन हो रही है ना. सो नाउ वी हैव रियलाइज दैट दिस इज लाइक नॉट डन.
सो हमने फर्म्स को बोला, हमारा एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या प्लस टू में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर. सो उसने कहा कि भाई आज से अगर किसी भी फर्म ने, मतलब एक एक्ट बना हुआ है, एक स्पेशल मिनिस्ट्री है हमारी, सो इन केस एक फर्म पोल्यूशन में इंडल्ज करती है तो उसको क्लोज, दैट यूनिट कैन बी क्लोज डाउन, यू नो, इतना वो स्ट्रॉन्ग एक्ट है. सो इतना सीरियस ऑफेंस है आज के टाइम पे पोल्यूशन को कंट्रोल करना. तो उसने कहा ये आप एक, ये प्लांट है, ये 1 करोड़ रुपए का प्लांट आएगा, आप लगाओ अपनी फैक्ट्री में, प्लांट लगाओ, आप उसको अपना पानी ट्रीट करो, उससे पानी ट्रीट हो जाएगा, मतलब केमिकल्स फ्री हो गया, और उस पानी को जहां मर्जी फेंको. ठीक. अब वो फर्म ने अगर 1 करोड़ का प्लांट लगाया, सपोज करो 1 करोड़ का है, 20 लाख का भी हो सकता है, 30 लाख का भी हो सकता है, सपोज करो 20 लाख का भी है. ठीक है. तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी कॉस्ट, आप इलेक्ट्रिसिटी भी रन होगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी. ठीक है. सो आप इस कॉस्ट को कहां से रिकवर करोगे? प्राइस बढ़ा दोगे ना, यू विल बी, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप अपना प्रॉफिट रिटेन करने के लिए क्या करोगे? प्राइस बढ़ाओगे ना बेटे. सो जब आपने प्राइस बढ़ा दिया तो इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर के ऊपर. ठीक है. सो इट इज आर्ग्यूड दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर वेरी कॉस्टली एंड दे रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. सो इन सच सर्कमस्टेंसेज व्हाट विल बिजनेसमैन डू? ही विल सिंपली शिफ्ट द बर्डन of social responsibility to the consumer by charging higher price from him. ठीक है. So it is unfair to tax the customer in the name of social responsibility. Here I am using the word tax not in the sense of literal sense. To tax the customer means कि हम customer को burden कर रहे हैं, उससे extra charge ले रहे हैं. ठीक है. So we cannot be taxing the customer, consumer, in the name of price बढ़ा के, cost नहीं, price बढ़ा रहे हैं. Cost तो producer incur कर रहा ना, आप economics में पढ़ चुके हो बेटे, है ना? Cost नहीं, price which is being charged from the consumer. Of course उसके ऊपर ही burden जाएगा ना. आप खुद सोचो, आप एक businessman हो, आप अपना social responsibility के नाम पे अपना profit तो नहीं कम कर लोगे ना, नहीं करोगे ना. तो अगर आपका खर्चा बढ़ गया तो आप क्या करोगे? प्राइस ही बढ़ाओगे. प्राइस बढ़ेगा नहीं, अगर प्राइस नहीं बढ़ाते तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. दैट इज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वुड यू लाइक दैट? नो. सो व्हाट विल यू डू? बिजनेस का मेन मोटिव तो यही है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. सो क्या करोगे आप? प्राइस बढ़ाओगे. प्राइस बढ़ा दिया मतलब बर्डन किसके ऊपर आ गया? कंज्यूमर के ऊपर आ गए. सो इट इज अनफेयर टू टैक्स द कंज्यूमर. टैक्स में लिटरल सेंस में नहीं बोल रही हूँ, एक इंग्लिश में हम ऐसे बोले डोंट, कि टैक्स मींस ओवर बर्डन, किसी को टैक्स कर देना मींस उसको बर्डन सम करते हैं. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इज लैक ऑफ सोशल स्किल्स. सो बेटे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने का तरीका अलग है एस if we compare it with business problems. ठीक है. एक हमने कहा yes, businessman का एक knack है, वो threat को opportunity में convert कर देता है. But that cannot be, you know, always applicable to even social problems. Businessman अलग तरह की problems में deal करता है और society की problems जो है वो अलग तरह की होती है. So all these social problems cannot be solved in the way the business problems are solved. In fact, businessmen do not have the necessary understanding and training to solve the social problems. ठीक है. So मतलब businessmen के पास वो knack नहीं है कि वो social, आज के time पे बेटे, आज हम इतनी हमारा complex है ना system, हम हर चीज में specialization ढूंढते हैं. आप देखो ग्रेजुएशन, हमारे टाइम पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में हम क्या ढूंढते थे? म्यूजिक होता था, होम साइंस होता था, फिजिकल एडुकेशन होती थी, साइकोलॉजी होती थी,
सबको पता ये वाले सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स है, ठीक है. टुडे वी हैव इवन सोशल इन्वायरमेंटल साइंस, वी हैव यू नो क्या बोलते हैं सोशल सर्विस, हम कहते हैं ना लोग सोशल सर्विस करते हैं, सोशल सर्विस की भी एक ग्रेजुएशन है, पब्लिक हेल्थ की भी ग्रेजुएशन है. सो वी हैव यू नो स्पेशलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. तो आप खुद सोचो, एक पोस्ट ग्रेजुएट है जो सोशल वर्क में यू नो स्पेशलाइज करता है, और एक बिजनेस मैनेजर हो सकता है अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, बी स्कूल में गया हो, बिजनेस स्कूल में गया हो, उसको क्या पता सोसाइटी की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट भी. आप बिजनेसमैन को कहते हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, पर वो उसको बिजनेस प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं. ठीक है, आप चाहो तो इसको क्रॉस कर सकते हो. हो सकता है मैं क्वेश्चन डाल दूं इसकी, इसको क्रॉस करो. तो कैसे क्रॉस करोगे? एक मैं आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, भाई नहीं मैं क्यों निभाऊं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे को तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की. तो एक ऐसे पर्सन से सॉल्व करो, तो उसका आर्ग्यूमेंट आप कैसे दे सकते हो? एनीवन, नहीं आपने नहीं, आप बिजनेसमैन ने नहीं आर्ग्यूमेंट देना, ये दूसरे वकील ने. मैं एक वकील हूं, मैं अपने बिजनेसमैन को बचा रही हूँ कि भाई ये नहीं निभाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आप मुझे क्रॉस करो. एनीवन रेज योर हैंड, आई विल बी अनम्यूटिंग यू. बेटे यू कैन से कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इट्स अ वाइडर टर्म, इट डज नॉट सिंपली इंप्लाई सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स. डू समथिंग which does not harm the society, do not contribute towards social problems. ठीक है, जैसे अब child labor है, आप हमें बोलो हम कैसे child labor की problem को solve करें, भी ये तो सदियों से चली आ रहे, वो गरीब है वो हमारे पास आ जाते हैं. No, so do not employ child labor in your factories, this too you can do. हाँ, okay. So next is lack of broad public support. So बेटे ये public है, ये भी जीने नहीं देती है businessman को. तो अगर businessman suppose करो कुछ करना भी चाहता है ना society के लिए, करते भी हैं आजकल, क्योंकि आजकल मैं कह रही हूँ social responsibility is itself is a separate subject. Do you know this? Corporate social responsibility, it's a separate subject. क्योंकि आप commerce के students हो, आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करोगे या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करोगे या बीबीएम करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें यू माइट बी हैविंग अ सेपरेट सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अलग से एक फील्ड है. ठीक, तो जब फर्म्स जब सोसाइटी में वो यू नो इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने कहा कोई स्पोर्ट्स इवेंट होल्ड करती है कुछ ऐसे, तो पब्लिक भी नहीं जीने देती, वो कहती ये क्यों कर रही है, इसका कोई ना कोई मोटिव रहेगा इसमें. ठीक है, सो दे जनरली डू नॉट लाइक सोसाइटीज सॉरी बिजनेसमैन्स इंटरफेरेंस इन सोसाइटी प्रोग्राम्स. ठीक है, सो बिजनेसमैन कैन नॉट ऑपरेट सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम. तो मैं आपके पास आई हूँ बेटे, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका सीआर मेरे पास आ रहा है कि मैम आप मेरे क्लास इंचार्ज हो, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है ना. तो मैंने कहा अच्छा चलो बैठते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपने सब कुछ मेरे से डिस्कस किया. ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं मैम तो स्कूल के फेवर में बात करेंगे, हमने नहीं इनसे डिस्कस करना. ठीक है, तो जब आप मैं कैसे आपके साथ, जब आप मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, मेरे में फेथ ही नहीं दिखा रहे हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पलेस. ठीक है, सो दीज आर दी फोर आर्ग्यूमेंट्स विच आर गिवन अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इफ आई वुड लाइक यू टू कंक्लूड, बताओ अब आपने, आप जज बनो, आपने वकील के, एक वकील था जिसने कहा कि ये बिजनेस फॉर्म को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं होना चाहिए, सबने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए दोनों ने. तो इन द एंड डू यू थिंक फॉर्म शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल?
कि नहीं? यस, ठीक है. तो इवन दो दी यू नो फर्म्स डू कंसंट्रेट ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट दे हैव डिफरेंट रीजंस, दे हैव डिफरेंट यू नो फैक्टर्स विच हैव फोर्स्ड एंड पर्सुएडेड बिजनेसमैन टू कंसिडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्योंकि अगर वो सोशली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो एक अच्छा उनको इन्वायरमेंट मिलेगा, हाँ, और उनके प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म, उनकी इमेज जो है वो बढ़िया रहेगी. आज टाटा जो है सब सल्यूट करते हैं टाटा को. रीजन यू हैव, ही हैज यू नो मेंटेन्ड दिस इमेज कि ये सोसाइटी इंडिया को फेवर करता है. इसकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो इंडियन सोसाइटी के अगेंस्ट है. ये हमेशा हमारी मदद ही करेगा, ठीक है. सो देन देर आर सर्टन, what is the reality of social responsibility today? Aaj ke time pe reality kya hai social responsibility? Karte hain actually jo corporates hain they do. Corporates maine kaha na, social corporate social responsibility is must. Aapko ek percentage ek tarah se dikhana padta hai ki ha humne itna apne revenue ka percentage सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्पेंड किया है, ठीक है. सो बेसिकली क्या ये फर्म्स आज सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं? बिल्कुल हैं. क्यों हैं? क्योंकि यू नो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इनको सोशली रिस्पॉन्सिबल होने पे मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं. फर्स्ट मीन थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. थ्रेट मीन्स, पता है आपको थ्रेट का मीनिंग? पब्लिक रेगुलेशन मीन गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन. तो बेटे हमें एक हमेशा माइंड में डर रहेगा, अच्छा अगर नहीं ये काम किया ना तो. अब जैसे सपोज करो मम्मा ने कहा हुआ है 4 घंटे पढ़ना नहीं पढ़े तो आके फिर घर का काम कराना या ये करना या वो करना. तो अगर ऐसी एक धमकी मिली हुई है तो आप बोलोगे पढ़ ही लेते हैं, बेटर है ना. तो इसी तरह से अगर आप एक बिजनेस फर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, अगर वो यू नो अपनी सोशली इरेस्पॉन्सिबल मैनर में अपना काम करेगा तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन. गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगी उनके लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी. क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है. हमने इलेक्ट किया है, हमने लोगों उनमें कॉन्फिडेंस दिखाया रिप्रेजेंटेटिव्स में अपने कि कल को हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो आप हमारे लिए खड़े हो. तो उसी प्रॉमिस को, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सोसाइटी को फेवर करना ही पड़ेगा. तो अगर एक फर्म, चाहे वो कितनी बड़ी फर्म, जैसे अब नेस्ले है, तो नेस्ले का आया था, उन्होंने लैब रिपोर्ट में देखा कि हाँ जी इसमें मैगी में लेड है, तो हो गया था ना, रेगुलेशन पास हो गई थी, सारे मैगी के पैकेट उठा लिए गए थे, ठीक है. तो यहाँ पर आप ऐसा चल रहा है, देयर इज अ थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. सो जिसके डर के चलते सब लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम कर रहे हैं. देन अगेन देयर इज अ प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट. सो सोशली इरिस्पॉन्सिबल मैनर में एक फर्म काम कर रही है, सपोजिंग क्या वो अपने लेबर को की तरफ सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है. द फर्म इज नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट्स लेबर. उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दे रही है, या वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, ओवर टाइम की अलग पेमेंट नहीं दे रही, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही अनसेफ हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इन दैट केस अगर ऐसा कर रही है तो आजकल लेबर मूवमेंट्स हैं. गॉन आर द टाइम्स व्हेन लेबर वाज अनऑर्गेनाइज्ड, टुडे लेबर इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. तो उनके यूनियंस बने हुए हैं, यूनियन का एक लीडर होता है. तो अगर वर्कर ने कहीं यूनियन के लीडर को बता दिया और यूनियन का लीडर भड़क गया तो आपकी करोड़ों की फर्म मिट्टी में चली जाएगी. आप लेबर के दम पे खड़े हो. अगर आप लेबर को खुश नहीं रखते हो या उनकी तरफ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हो, सो व्हाट विल हैपन? दे मे रिजॉर्ट टू स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, एंड यू दे कैन रिवील योर इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, ठीक है.
So there is a pressure of labor movement, in short. So fearing that, you have to be socially responsible. ठीक है. Then there is an impact of consumer consciousness. आज consumer conscious है अपने rights को लेके, अपनी duties को लेके. उसको पता है कि मेरा पास ये rights है, right to safety है, right to be informed है, right to choose है. ठीक है. तो earlier suppose there was not much awareness regarding consumers' rights. तो अगर आप जाके कोई चीज के लिए पूछते थे और वो आपको सेलर कहता था, अरे हमें नहीं मालूम इसके बारे में जो आप पूछ रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना, कोई कार ही खरीदनी है, वो रिफ्यूज कर देता था. ठीक है, अरे हमें नहीं पता. आज आप जाओ शोरूम कार के, आपके आगे चार पांच लोग आपको कार के बारे में फीचर्स बताने के लिए आ जाएंगे कि नहीं, है ना. तो क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर आज अवेयर है अपने राइट्स के बारे में, उसका राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू चूज. ठीक है, सारे राइट्स को वो असर्ट करेगा अपने. तो अगर उसका राइट वायलेट होगा तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है. तो कोई भी चाहेगा कोर्ट के चक्कर लगाना? नहीं. तो उसको पता है कंज्यूमर कॉन्शियस है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करता है टुवर्ड्स इट्स कंज्यूमर्स. ठीक है, यहां तक बेटे कोई डाउट? एनीवन?